तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल? सुबह मुबारक हो, आपका क्या हाल है? खैरियत से हैं? ठीक हैं? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का। रमज़ान शरीफ कैसे जा रहे हैं आपके? मेरे तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक जा रहे हैं। रोज़ा रखते हैं रोज़ाना अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के शुक्र से फजल और करम के साथ। आपका क्या हाल है? ठीक है खैरियत? दो तीन दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं था कुछ, इसलिए मैंने व्लॉग नहीं डाला। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। तो अभी सुबह के 12 बजे हैं, जोहर का टाइम है। तो अभी यहाँ पे अभी रमज़ान शरीफ में बाज़ार लेट खुलते हैं, तो रात पूरी रात तक खुले रहते हैं। तो थोड़ा सा कुछ पार्ट्स वगैरह लेना था, तो काम पे जाने लगा, तो मैं चलो थोड़ा सा आपसे हेलो हाय कर दें। तो मैं पार्ट्स लेने के लिए आया हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी लेके थोड़ी देर तक तो मस्जिद में नमाज़ पढ़ेंगे, नमाज़ पढ़ के फिर काम में निकल जाएंगे। तो रोज़े तक इंशाल्लाह तारा काम निपट के तो आ जाएंगे। और आपका क्या हाल है? खैरियत से हैं? ठीक है। अपना ख्याल रखा करें, तो अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह पाक सब मुसलमानों का अभी हामिद नासिर हो। और आप फिर ठीक ठाक हैं? तो पार्ट्स लेने के लिए वो भाई गया हुआ है, तो मैं गाड़ी में बैठा हूँ, तो मैं कि चलो आपके साथ थोड़ा व्लॉग भी पार्टिसिपेट कर ले, आपके पास टाइम स्पेंड कर लेते हैं। तो और सब ठीक है खैरियत से हैं? आजकल तो गर्मी भी बहुत है, तो रमज़ान शरीफ में भी तो मज़दूर जितने भी बेचारे हैं, अल्लाह पाक उनको अजर भी उतना ही ज़्यादा है। जितने भी गर्मी ज़्यादा है, उनका बच्चे लोग बूढ़े जितने भी रमज़ान शरीफ के रोज़े रखते हैं, तो अजर भी अल्लाह ताला ने उतना ही ज़्यादा रखा है उनके लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने तो छोड़ने नहीं है, तो वो चाहे वे बीमारी की हालत हो, चाहे जो मर्ज़ी हो, तो उन्होंने रोज़े नहीं छोड़ने। तो अल्लाह ताला अपना फजल और करम रखे सब मुसलमानों पर, और आप पर भी और मुझ पर भी अपना फजल और करम रखे। हाँ जी, तो आपका रमज़ान शरीफ कैसे जा रहे हैं? ठीक जा रहे हैं? रोज़े कैसे गुजर रहे हैं, गर्मी में है या सर्दी में? अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? ठीक है खैरियत? तो काम अभी ख़त्म करके आ गए, अभी रोज़े का टाइम है, तो रोज़ा इंशाल्लाह ताला अभी अफ्तारी का सामान बनाते हैं, तो वो भी आपके साथ शेयर करते हैं कि क्या बना रहे हैं। आज का रोज़ फ्रूट चाट बनाते हैं, तो मैंने सोचा गाड़ी पहले पार्किंग पे लगा लें, तो फिर आपके साथ शेयर करते हैं क्या ऊपर रूम में जाके। तो फ्रूट चाट बनाने लगा हूँ आज, मैं रोज़ ही बनाता हूँ लेकिन आपके साथ शेयर नहीं कर रहा, कर पा रहा। तो इंशाल्लाह ताला अभी बनाता हूँ, तो आपके साथ बना के थोड़ा शेयर करता हूँ कैसे बनाते फ्रूट चाट हम, तो आप भी देखिएगा। हाँ जी, तो रमज़ान शरीफ का महीना है, तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हर मुसलमान की परेशानियों को दूर करे, उसके दिल के गम को भुला दे, और तंदुरुस्ती और सेहत वाला मामला करे, और ईमान के साथ। तो अल्लाह ताला हर मुसलमान को कामल ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमाए, क्योंकि ईमान है तो इंसान है, अगर ईमान नहीं तो इंसान नहीं है। हाँ जी, हाँ मैं गाड़ी अभी पार्किंग पर लगाने लगा हूँ, तो अब मैं फिर रूम में जाके आपके साथ मैं आपको बताता हूँ कि क्या मैं बनाने लगा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र है, को उसने बहुत सारी नेमतें दी हैं खाने को, कि खा के इंसान के दांत टूट जाते हैं, लेकिन उसकी नेमतों का शुक्र नहीं अदा कर सकते हम। तो आप भी अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा किया करें, और अल्हम्दुलिल्लाह कहा करें कि ये अल्लाह तेरा शुक्र है और तुमने इतनी सारी नेमतें अदा की हैं।
हाँ जी, गाड़ी मैंने लगा ली है तो अल्लाह का शुक्र है। और आप सब खैर, बहन भाई सब खैर खरीयत से हैं। रमज़ान शरीफ माशाल्लाह अच्छा जा रहा है, रोज़े रख रहे हैं, तो अल्लाह ताला आपको इसका अजर अजीम अता फरमाए, अजर अजीम अता फरमाए इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो चलते हैं रूम में, आप मेरे साथ ही जुड़े रही तो देखते हैं क्या बनाते हैं हम इंशाल्लाह। तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, हमने अफ्तारी का तो टाइम ख़त्म, अफ्तारी तो कर ली है हमने, रोज़ा तो खोल लिया अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है, नमाज़ पढ़ ली है। तो सोचा आपको भी साथ ट्वीट शेयर कर दें कि अभी अफ्तारी करके नमाज़ पढ़ के नीचे आया हूँ घर पे, घर के बाहर हैं थोड़ी वॉक करने के लिए, तो सोचा आपको साथ भी थोड़ा शेयर कर दें। तो रमज़ान का महीना है, जितनी भी इबादत, वालेकुम सलाम, जितनी भी इबादत कर ले उतनी ही कम है, क्योंकि ये तो नेकियां बटोरने का महीना है। तो अल्लाह ताला सबको नेकी की हिदायत दे, सबको नमाज़ पढ़ने की हिदायत दे, तौफीक दे, तो इंशाल्लाह, क्योंकि ये तो महीना ख़ास एक महीना है, आगे पता नहीं आना है कि नहीं आना, तो अल्लाह ताला खैर व आफियत का मामला करे। तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, तो बेल के आइकन को दबाएं। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।